आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ रहा हूँ और आज इस चैनल पर मैं व्याख्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए एक पोम जो क्लास 10 CBSE बोर्ड के सिलेबस में है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोम, बड़ा सार्केस्टिक स्टाइल से लिखा गया यह पोम है। लिखा है इसको वॉल्ट व्हाइटमैन ने। यही है वॉल्ट व्हाइटमैन। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वे एक अमेरिकन पोएट थे और फ्री वर्स पोएट्री का इन्हें फादर कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स पोएट्री, राइट। ये जो पोम है एनिमल्स, इस पोएट्री में इन्होंने बड़ा सार्केस्टिकली जो अपना आर्गुमेंट प्रोड्यूस किया है, प्रोजेक्ट किया है हम लोगों के सामने, ये हमें बताने का प्रयास किया है कि एनिमल्स आर मोर सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए पोएट अपनी इच्छा जाहिर करना चाह रहा है कि वह जानवरों के साथ रहेगा या वह जानवर बनना चाह रहा है। सुनने में बड़ा अटपटा सा है लेकिन सचमुच एक व्यंगात्मक शैली में लिखी गई यह कविता हम मनुष्यों को सोचने के लिए बाध्य कर देता है कि विकास की इतनी सीढ़ियां लांग लेने के बावजूद भी हम आज कहां पर खड़े हैं। ठीक है, आज इसी कविता की मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूँगा। मेरे बच्चों, मेरे व्यूअर्स, आपके लिए यह बहुत, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें। इस कविता संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है वो आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं इस कविता को की व्याख्या करूं इसके पूर्व मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन जो कि सब्सक्राइब जहाँ पर रेड कलर में लिखा गया है उसको क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के लिए ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ तुरंत विदाउट लूजिंग ए मोमेंट वो आपके पास पहुँच जाए, राइट। तो ठीक है, चलिए चलते हैं कवि के साथ, कवि की दुनिया में, और देखने का प्रयास करते हैं आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण कवि हृदय जानवर बन जाना चाहता है, राइट। आई स्टार्ट टू रीड फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल। दे आर सो प्लैसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कविता के पहले ही पंक्ति में कवि ने मानो घोषणा कर दी। He announced without any hesitation, very simply but very forcefully, he announces that he wants to turn into animal, he wants to live with animal. और तुरंत वे उसका reason बता रहे हैं। He is saying reason why he wants to be an animal. और पहले बात के वो क्या कहते हैं, they are so placid and self-contained. Placid means calm, शांत। वे बहुत ही शांत रहते हैं। जिंदगी की अमोल थाथी है, अमोल पूंजी है शांति। हमने देखा है कि बहुत तरह व्यक्ति जिंदगी में सब कुछ कमा लेते हैं लेकिन शांति अभी भी उनसे दूर रहती है। तो शांति प्राप्त करना हमारी जिंदगी का परम ध्येय और लक्ष्य है। इसलिए पहली ही चीज बता रहा है पोएट, क्या कह रहा है, जानवरों के पास शांति है, वो आत्मसंतुष्ट है, इसलिए मैं जानवर होना चाहता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। आगे की पंक्ति में देखते हैं क्या कुछ तर्क है इनके लिए। ये फिर कहते हैं, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। They don't lie awake in dark and weep for their sins. जानवरों की अगली विशेषताएं क्या हैं उनमें, और जो उनमें हैं
इवेंचुअली वो मनुष्य में नहीं है। सो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिखाने का प्रयास पोएट ने किया है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ मैन एंड एनिमल। वो कह रहे हैं दे डोंट स्वेट एंड वाइन, स्वेट एंड वाइन मीन्स कंप्लेन एंड क्राई, दे नेवर क्राई, दे हैव नो कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। जबकि हम मनुष्यों के पास केवल कंप्लेन ही कंप्लेन भरा हुआ है, ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव लॉट ऑफ कंप्लेन। एग्जाम में थोड़ा और समय मिलता तो मैं इस पेपर को लिख देता, टीचर थोड़े अच्छे ढंग से चेक करते तो शायद मुझे अच्छा नंबर मिल जाता। वी हैव सो मैनी कंप्लेंस, बट ऑन द अदर हैंड दिस टाइप ऑफ थिंग इज टोटली अब्सेंट इन द लाइफ ऑफ एन एनिमल, दैट्स व्हाई द पोएट वॉन्ट्स टू बी एन एनिमल। आगे फिर क्या है, दे डोंट लाई अवेक इन डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। देखिए वे जगकर सोते नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है। जनरली आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि जो व्यक्ति दिन भर इतने तरह के कामों में, इतने तरह के वातों अपने क्रियाकलापों में उलझा रहता है कि रात के समय में वो बेड पर लाए तो करता है, लेटता तो है, लेकिन कोसों दूर उसकी आंखों से नींद रहती है। बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स रनिंग इन द सबकॉन्शियस ऑफ हिज ब्रेन, दैट्स वाई दे आर टोटली डिप्राइव ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। इसलिए वह क्या बोल रहा है पोएट, दे डोंट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वह कभी पापों के लिए रोता नहीं, अंधेरे में जगता नहीं, और जो वह नहीं है, यह बात कॉन्ट्रास्टिकली हमारे ऊपर कहा गया है कि वह हमारे पास है। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड, भगवान का क्या कर्तव्य है इस पर बहस भी वह नहीं करता। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, यह और, यह मेरा, यह दिल मांगे मोर, ऐसी भावनाओं जानवरों के साथ नहीं रहती, जबकि मनुष्य के साथ रहती है। मेन आर टोटली मैन हैज सो मैनी डिमांड्स, मैन हैज बिकम टोटली क्रेजी रिगार्डिंग अर्थली मटेरियल्स। उसे यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ऐसे चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें उसके पास है। तो क्या लिखा, मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग। मैनिया मतलब एक मानसिक बीमारी, किस तरह की वह बीमारी है कि मेरे पास और अधिक से अधिक चीज आ जाए। नो वन नीड्स टू अनदर, कोई किसी के सामने झुकता नहीं, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, उसके लिए भी नहीं जो हजारों पुराने साल थे, मतलब अपने एंसेस्टर के लिए भी उसके पास कोई ड्यूटी नहीं होती। नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस पूरी धरती में कोई भी जानवर अनहैप्पी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम पेनली इन देयर पल्सेशन। राइट मीन्स टोकन मीन्स सिंबल, एवेंस मीन्स शो, एंड पल्सेशन मीन्स ऑनरशिप। सो व्हाट हियर सेज द पोएट, द पोएट फील्स दैट एनिमल रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स इन सम वे, देयर मीन्स दैट एनिमल सीम्स नो पजेस्ड व्हाट ह्यूमन वंस ह्यूमंस एक्चुअली हैव। राइट ही बिलीव्स इन पोएम, द ह्यूमन ड्रॉप्ड हिज वर्स्यू अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो एंड हैव नॉट फॉरगॉटन देम। कहते हैं मनुष्यों के पास जो ऐसी सुंदर आदतें थीं, उसने पहले ही कहीं खो दिया। राइट सो शो देयर रिलेशन टू मी, आई वॉन्डर वेदर दे गेट दिस टोकन, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। मनुष्य ने क्या किया, बहुत पहले अपने इस तमाम अच्छाइयों को त्याग दिया, फेंक दिया, और अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। सो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ थिंग द पोएट वॉन्ट्स टू बी एन एनिमल। राइट स्टूडेंट्स, आई होप
द मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अगेन आई से इट इज़ योर ड्यूटी, गो अहेड एंड हिट ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, राइट. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोम और इस बुक के अन्य चैप्टर के बारे में भी अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है. आई बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपके पिछले प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगे और इजीली आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा. और इसके बावजूद भी आपको लगे कि कुछ वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, प्लीज़ राइट टू मी एंड इमीडिएटली आई विल आंसर यू विथ योर सॉल्यूशन, राइट. So thanks a lot for viewing the channel. Wish to meet again with some new explanation. Till now, goodbye to all.